पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खाली दुआ करने से कुछ नहीं होगा, खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो। खुदा प्रैक्टिकल का खुदा है। खुदा कहता है आजमा कर देख। खुदा प्रैक्टिकल को मांगता है कि आप करते क्या है, चाहे कलीसिया चाहे कोई भी हो, आपके वसीला से रूह बचनी चाहिए। लिखा है कि जो लोगों का हाल होगा वो खादिमों का हाल भी वही होगा, सजा सेम मिलेगी। आगे चूंकि उनको खुदावन का ख्याल नहीं, क्योंकि उनको खुदावन का ख्याल नहीं, इसलिए वो खाएंगे पर असुदा ना होंगे, इसलिए वो खाएंगे और असुदा ना होंगे, वो बदकारी करेंगे, वो बदकारी करेंगे लेकिन ज्यादा ना होंगे, ज्यादा ना होंगे बदकारी, और मैं और नई मैं से बसीरत जाती रहती है। हाँ जी आगे, मेरे लोग अपने काठ के पुतले से सवाल करते हैं, मेरे लोग अपने काठ के पुतले से सवाल करते हैं, उनका लट उनको जवाब देता है। हाँ जी आगे, क्योंकि बदकारी की रूह ने उनको गुमराह किया है, क्योंकि बदकारी की रूह ने बंदा गुमराह, खुदा के कलाम नु नहीं मानता पर की होता है, मैंने तो खुदा नहीं खड़ की, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੇ ਦਾ ਮਿਲੂ, ਕਿਤਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਬੀਰਾਂ ਇਹਨੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਡੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਰਾਸਤੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ, ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਰੁਸਤ ਕਰ। ਅੱਗੇ और अपने खुदा की पनाह को छोड़कर बदकारी करते हैं। हाँ जी आगे, पहाड़ों की चोटियों पर वो कुर्बानियां गुजारते हैं, और टीलों पर और बलूतों चनारों पत्तम के नीचे बखूर जलाते हैं, क्योंकि उनका साया अच्छा है। हाँ जी, बस बहु बेटियां बदकारी करती हैं, बहु बेटियां बदकारी करती हैं, जब तुम्हारी बहु बेटी बदकारी करेगी तो मैं उनको सजा ना दूंगा, क्योंकि वो आप ही बदकारों के साथ खलबत में जाते हैं। हाँ जी आगे, और कसमियों के साथ कुर्बानियां गुजराते हैं। बस जो लोग दानिश से खाली है बर्बाद किए जाएंगे, बस जो लोग दानिश से खाली है, अकल से खाली है, समझदारी से खाली है, वो बर्बाद कर दिए जाएंगे। अकलमंदी को ले ले, अकलमंदी खुदा के कलाम से ज्यादा कौन सी। अच्छा कई ना बोलते हैं आज को कहीं वाला कलाम में लिखा रूह से भी चलो और अच्छा खुदा तुसी चलाने अपनी अकल लिखा रूह और अकल। रूह और अकल मतलब रूह की अकल से चलना है, यानी कि खुदा की अकल से चलना है, ना कि कोई अपनी अकल में छिपानी है। अपनी अकल विच पा तूं गल कर ताकि अगला बंदा गुस्सा ना करे, तो सीधी गल करने ना बंदा ही गुस्सा करे, खुदा को गुस्सा करे कि तू ये किस नाते है जी। छठे बाप की पहली ऐसे पढ़िएगा आप होशिया। हाँ जी, रजू करें आओ हम किसकी तरफ, खुदावंद की तरफ रजू करें। पांचवे बाप की तीन जो आखिर अपने जख्म को देखा तो इब्राहिम असूर हो गया, और उस मुखालिफ बादशाह को दावत दी, लेकिन वो ना तुमको शिफा दे सकता है। हाँ जी, लेकिन वो ना तुमको शिफा दे सकता है और ना तुम्हारे जख्म का इंतेमाल कर सकता। यहूदा के लिए जवान शेर की मांग होऊंगा, मैं ही फाड़ूंगा। वजह क्या है, ऊपर वजूहात हम पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है, खुदा सनासी नहीं है, जुल्म से भरे हुए हैं। बाबे सातरू थोड़े लाओ। हां जी सब बोले हालेलुया, मैं जागना फिर इधर अक्ष चखा पा, हालेलुया वेरी गुड, जागने हर वरी बपतिस्मा टाइम लगा देना है, जागना है जी आगे। हाँ मैं ही फाड़ूंगा, हाँ मैं ही फाड़ूंगा और चला जाऊंगा, मैं फाड़ूंगा, खुदा फाड़ता है। अगर खुदा किसी के खिलाफ हो जाता है तो खुदा ही उसे माफ कर सकता है। ऊपर बनी इसराइल के गुनाह बताए गए हैं, आगे नीचे क्या लिखा, और मैं उठा ले जाऊंगा, मैं फाड़ूंगा और उठा ले जाऊंगा, और कोई छुड़ाने वाला ना होगा, और कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, मैं रवाना होऊंगा और अपने मस्कर को
चला जाऊंगा, अपने मस्तक को चला जाऊंगा जब तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करके मेरे चेहरे के तालब ना हो, जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा करके मेरे चेहरे के तालब ना हो, जब तक वो ये ना कहे खुदावंद अपना चेहरा हमसे। दाऊद तरले पा रहे कहते मुझसे रूह पोषना हो, मैनू तकाना दे मैं मर जाऊंगा। वो कहता मैं अपने पैदाश के रोज से तुझी पर छोड़ा गया हूं, मेरा तोकल अपनी मां की कोख से तुझी पर तोकल है। असल से कला सी ना वो छे अलग सर कला सी, तो प्यार भी नहीं थे चौकर कर दे। ते अबे ने भी कह आई बात जा भेड़ा जा जा के तो कहना खुदावन जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ जाएंगे पर तू मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। वो बेकस का बेआसरा का सहारा है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए कहा वो अपनी मुसीबत में बड़ी सरगर्मी से मेरे तालब होंगे। वो अपनी मुसीबत में सरगर्मी से मेरे क्या होंगे, तालिब होंगे। आओ हम खुदावंद की तरफ रजू करें, आओ हम खुदावंद की तरफ क्या करें। मेरी सुनो गल, जो खाते ना खुदा का पैसा, खुदा भी उनका पैसा खाता, वो रखेंज उनका पैसा फिर जाया जाता, शरीर लोग उनका पैसा खाते, उनका पैसा फिर जाया होता है, फिर वो मुसीबत च फंसते हैं। मुसीबत की कुटाली में खुदा डालता, पैसा जाया होता है, वक्त जाया होता है, उम्र जाया होती है और मनसूबे जाया हो जाते हैं। जो काम अब करना था वो 10 साल आगे चला जाता है सिर्फ बद किरदारी की वजह से, खुदा के खिलाफ चलने की वजह से पैसा जाया होता है, वक्त जाया होता है, जान जाया होती है, तमाम एबिलिटियां जाया हो जाती हैं क्योंकि खुदा के खिलाफ है। आगे, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने फाड़ा है वो हमें क्या करेगा, शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। उसी ने मारा है वही मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा। 2 रोज के बाद वो हमें क्या करेगा। 2 रोज के हैं, 2000 साल है, क्या है, लेकिन पहले साल में मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, दूसरे दिन में मैं तेरे अंदर रूह डालूंगा। हालेलुया। और फिर मैं तुझे खड़ा करूंगा। बनी इसराइल के साथ यही हुआ था, 70 साल के सीरी एक और बाकी ये जो है ना 2000 साल के बाद, तकरीबन 1900 साल के बाद ये खड़े हो गए हैं। अभी खुदा ने इनको सिर्फ इनके अंदर सिर्फ इनको बनाया है, अभी रूह डालकर को जब खड़ा पता कब करेगा, जब वो आएगा। हालेलुया। जब 1000 साल बाद चलोगे तो तब बनी इसराइल प्रॉपर खड़ी होगी और यीशु मसीह के थ्रू पूरी दुनिया पर बादशाही करेगी। आमीन। सब बोले हालेलुया। आगे बढ़िएगा। और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा, तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा, हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे, और हम उसके हजूर क्या करेंगे, जिंदगी बसर करेंगे, और हम दरियाफ्त करें, और हम दरियाफ्त करें, और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें, और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका जहूर सुबह की मानंद यकीनी है, उसका जहूर सुबह की मानंद यकीनी है। अब हमारे पास बरसात की मानंद, यानी आखिरी बरसात की मानंद जो जमीन को सैराब करती है, जो आखिरी जो बरसात होती है वो क्या करती है, जमीन को सैराब करती है। जैसे आखिरी बरसात जमीन को बरसात जो है वो सैराब करती है, खुदावंद क्या करेगा, आएगा आएगा। ऐ अफ्राइम मैं तुझसे क्या करूं, हाँ जी, ऐ यहूदा मैं तुझसे क्या करूं, हाँ, क्योंकि तुम्हारी नेकी की करा आंदा की करा आगे, क्योंकि तुम्हारी नेकी सुबह के बादल और शबनम की मानो जल जाती रहती है। उसी नेकी करते हो किस तरह वाला, बादल आया गया, शबनम आई दे गई आगे, इसलिए मैंने उनको नबियों के वसीला से काट डाला आगे, अपने कलाम से कत्ल किया है, अपने कलाम से मैंने कत्ल कर दिया है। मेरा अदल नूर की मानंद चमकता है, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। आमीन। सवाल हारे भैया, मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद, कुर्बानी बात नहीं, पहले रहम कर, पहले इंसाफ कर, पहले रहम कर। आमीन। फकीर फरीसियों को यीशु ने यही तो कहा है, फकीर और फरीसी आगे मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, ये मूसा की कितने बैठे ने गद्दी पर, कितने बैठे ने गद्दी पर। दोबारा पढ़ो जी,
उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकीया और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। किधर बैठे ने? अच्छा इधर लिहाज करने लिखे आगे, ओ किधर बैठे ने? मूसा दी गद्दी ने, गद्दी नशीन ने आगे की है। बस जो कुछ वो तुम्हें बताए वो सब करो। एक एक, एक, एक मिनट, जो कुछ वो तुम्हें कहे वो करो, करो। क्योंकि जो कहते ने सही कहते ने, जो कहते ने सही कहते ने, बराबर की है। जो